नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआरआई न्यूज़। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। रामलीला मंडल द्वारा राम विवाह, सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ से संबंधित लीलाओं का वर्णन किया गया। इस आयोजन को देखने के लिए स्थानीय रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी वहां पहुंचे, साथ ही उन्होंने लीलाओं का आनंद भी लिया। विधायक ने रामलीला परिवार को बधाइयां भी दी। रावगढ़ में रामलीला का इतिहास लगभग 150 साल पुराना है। सबसे पहले रामलीला का मंचन किले पर होता था, जिसका वहीं पर कई वर्षों तक मंचन होता रहा, जिसके बाद इसका मंचन प्रसिद्ध रानी जी के मंदिर पर किया गया। उसके बाद पुराना बस स्टैंड पर, साथ ही माली जी के मंदिर पर शुरू किया गया। वहां से इसको हनुमान छत्री और अब श्री नरसिंह मंदिर पर लीलाओं का मंचन किया जाता है। रघुवंशी में जहे कोई होई, ते समाज यश कहे न कोई। रघुवंशियों में जहां कोई होता है, उस समाज में ऐसा कोई नहीं कहता। रघुवंशी रघुवंशी वीरों के होते, ऐसा भी कोई कहता है। जैसा अब सोच भरा वसन मिथिला के महान, रघुवीर राम जी के होते, अनुचित वाणी कहता ली है। ये सब वजह से दुबे जी हैं, वो उससे मिले भी थे इसके बारे में, और हमने इस कार्यक्रम को आगे सफल होने के लिए हमने भैसाना में और भुलाई में प्रथम हमने ऐसे गांव चुने हैं जहां पर हम ये पाठशाला चालू करेंगे, जहां पर सिर्फ संस्कृत के बारे में बच्चों को सिखाया जाएगा। तो इस प्रकार के कार्यक्रम अगर हम करते रहेंगे, सिर्फ शहर में नहीं लेकिन गांव में भी, तो इससे काफी हद तक जो हमारा एक सोच है, विचार है, वो आगे और पहुंच सकते हैं। और इसी इन सब कार्यक्रम के लिए मुझे आप सबका साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से आप सब हर साल इतनी व्यवस्था के साथ हमेशा रामलीला कार्यक्रम करते हैं, हम चाहते हैं इसी प्रकार से आप हर साल और भी सक्रिय रहे और ऐसे अनेक कार्यक्रम और भी होते रहे। और इसके लिए जो भी आपको प्रोत्साहन राशि चाहिए होगी, मैं आपको वो दिलवाऊंगा, ताकि आप सब हसी खुशी कार्यक्रम और आगे करते रहो। आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, सबको सपोर्ट करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। गुना से चौड़ाखेड़ी जा रहे बाइक सवार को एक कंटेनर चालक ने रौंदा। बता दें कि हरि सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी चौड़ीखेड़ा अपने काम निपटाकर गुना से अपने गांव की तरफ जा रहा था, वहीं एक तेज रफ्तार में अनियंत्रित टैंकर चालक ने आकर उनको रौंद दिया। वहीं हरि सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद टैंकर चालक वहां से फरार हो गया। गुना से जा रहे थे ट्रक ने और भी घटनाएं करी हैं। हाँ, और भी करी हैं, भैंसे में से मर गई, बाप उनको टक्कर देकर और इधर भैंसे जब पकड़ो गए। वहीं राधोगढ़ क्षेत्र के देहरी गांव पर नेशनल हाईवे पर कंटेनर की चपेट में आने से 13 भैंसों की मौत हो गई। बता दें कि ये वही कंटेनर है जिसने हरि सिंह को कुछ देर पहले मौत के घात उतारा था। भैंसों की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, वहीं कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा, जिसके बाद रावगढ़ पुलिस एवं SDM ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और गुस्साए ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला। साथ ही कंटेनर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। आरण में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 191 मतदान केंद्रों पर नवीन मतदाताओं ने अपने नामों को लिस्ट में जुड़वाया। वहीं एक नई मतदाता सोनम दुबे ने अपना नाम जुड़वाने भी पहुंची, जहां पर BLO दिलावर खान ने उसके नाम का पर्चा लिया। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। भारत निर्वाचन के कार्यक्रम अनुसार 4 अक्टूबर से
3 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो कि कार्यक्रम SDM श्री अरविंद वाजपेयी जी की और एवं तहसीलदार निर्मल सिंह जी राठौर जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है, जो कि 3 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि एक जनवरी 18 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, उन लोगों के नाम जोड़े जाएंगे जो कि जिन मतदाताओं के नाम शेष रह गए, जोड़ने से उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। आरोन से हमारे सहयोगी राकेश जैन की रिपोर्ट। स्थानीय रेडक्रॉस भवन में आज 5 दिवसीय आशा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ चरण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 तारीख से शुरू होकर 7 तारीख को समाप्त होगा। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नए गर्भ निरोधक के बारे में आशा कार्यकर्ताओं को जानकारी देना था। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा जो कार्य किए जाने हैं उसकी भी विस्तृत जानकारी इस प्रशिक्षण में दी जा रही है। आज रावगढ़ ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पहुंचकर प्रशिक्षण लिया। ये जो है आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चल रहा है 5 दिवसीय। ये प्रशिक्षण इनका रेसिडेंशियल है, इसमें इनको इनके कार्यों के विषय में जानकारी दी जा रही है, आशा कार्यकर्ता के क्या क्या कार्य हैं। इसके साथ साथ जो बीमारियां फील्ड में वर्तमान में हैं उनके जो है रोकथाम के संबंध में क्या इनको करना चाहिए वो जानकारी इनको दी जा रही है। साथ साथ में हमारे कुछ नए गर्भ निरोधक जैसे कि छाया और अंतरा निकले हैं उनके विषय में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ हमारे जो परिवार कल्याण का कार्य शुरू है वो अब कैंप ना लगकर सेवा दिवस के रूप में कार्य करवाया जा रहा है, उसके विषय में इनको नसबंदी केस लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वर्तमान में रावगढ़ ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रही हैं, यहाँ पर 30-30 के बैच में प्रशिक्षण चल रहा है। लायंस क्लब के सेवा सप्ताह के दौरान आज सड़क सुरक्षा पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर का आयोजन शासकीय उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय में किया गया। आयोजकों के अनुसार इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना सिखाना है। इस शिविर में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CSP श्रद्धा जोशी, विशिष्ट अतिथि के रूप में RTO दीपक मांझी तथा प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर VK तिवारी मौजूद रहे। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मतलब 2-3 महीने से मैं गुना की सड़कों का देख रहा हूँ, तो गाय भैंसे ज़्यादा बैठी रहती हैं जिससे हादसे बहुत होते हैं। गौ सेवा मतलब जो एक्सीडेंट हो जाता है तो चले तो जाते हैं गौ सेवा वाले, लेकिन उन गायों को अगर सड़क पे जाने ही नहीं दें अपन तो इससे अच्छा एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, इंसान भी बचेंगे और गाय भी गौ माता भी बचेगी अपनी। बहुत बहुत आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो हमारी गाय गौ माता है, आप लोगों ने जैसे बोला गाय एक ऐसा जानवर है, हम ये कहें कि उसको साफ सफाई बहुत पसंद है। आपने देखा होगा ज्यादातर गाय जो बिल्कुल सफाई वाला एरिया होता है वहीं पर बैठती है, और सड़क एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे आसपास तो इससे अच्छा एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, इंसान भी बचेंगे और गाय भी गौ माता भी बचेगी अपनी। बहुत वातावरण में कई बार कचरों के ढेर लग रहे हैं, कई हमारे द्वारा जो गंदगी फैलाई जाती है उसको हमारे घरों के द्वारा जो है ना कचरा कूड़ों के ढेर लगा दिए जाते हैं, इसमें हम लोग आपकी भी हेल्प चाहते हैं। हम लोग तो कर ही रहे हैं लेकिन हम लोग आपकी भी हेल्प चाहते हैं। जैसे हम कई बार निकलते हैं और रास्ते पर इस तरह की अगर गायें हमें सड़क पर बैठी मिलती हैं तो कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है गौशाला के, या हम खुद अगर हमारे पास थोड़ा सा समय है तो हम उस काम को, ऐसा नहीं है, राष्ट्र हमारी भी संपत्ति है कि
फलाना सिस्टम आएगा। जैसे कि सड़क की बात चल रही है कि बात शुरुआत कहाँ से होती है कि वो करेगा, जैसे मैम ने बताया कि वो करेगा, नहीं पहले मैं करूँगा, क्योंकि किसी को दोष देने का हमारा अधिकार तब तक नहीं है जब हम खुद पे अमल नहीं करते। एक नई दिशा देता है तो युवा पीढ़ियों से, युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, आप लोग जो हैं, उनसे इंटरेक्ट होने का मेरा ये उद्देश्य ये है कि आप लोग यातायात के संबंध में, सड़क के संबंध में जो नियम हैं और जो कायदे हैं उनका पालन सही तरीके से करेंगे तो बाकी लोग आप लोगों को देखकर उनको फॉलो करेंगे। नियम इसलिए होते हैं कि उनको पालन किया जाए, लेकिन हम लोग खुद उन नियमों को पालन नहीं करते हैं। मैं केवल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑफिसर्स हैं हो सकता है। शासकीय उच्चतर महाविद्यालय में इन दिनों फैली हुई है अव्यवस्थाएं, कहीं बिजली की तारें खुली हुई हैं, कहीं मेन स्विच बाहर लटक रहा है, मानो कॉलेज प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। इन सभी अव्यवस्थाओं से परेशान होकर छात्रों ने आज प्रभारी प्राचार्य को घेर लिया। प्रभारी प्राचार्य को छात्रों ने ज्ञापन दिया और कहा कि जल्द से जल्द इन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी छात्र प्राचार्य को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज इसी बात से नाराज होकर सभी छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य को घेर लिया और उन्हें जल्द से जल्द इन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की बात कही। एक साथ निकाल दूसरी चीज है, हॉल का निर्माण के लिए हम शासन को लिख देंगे क्योंकि हमारे पास में नहीं, जो भी इतना बजट है। साउंड सिस्टम के लिए हमने ऑर्डर दे दिए हैं और क्या है, ये कैमरे की संख्या कुछ बढ़ाई है, कैमरे बड़ा बहुत लगे हुए हैं और लगातार चल रहे हैं, 22 कैमरे लगे हुए हैं हर जगह से कवर कर रहा है कैमरा, लेकिन उसके बाद 3 दिन की है ये भी बता दूंगा आपको। आप 3 दिन बाद किसी घटना को लेकर आया तो हम रिपोर्ट नहीं ले पाएंगे, आप घटना घटे आप उसी दिन लेता हूँ रिपोर्ट देख लेंगे। और लाइब्रेरी रोड बता दिए शासन के को लिख रहे हैं। डीजे आना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।